बाड़मेर शहर को आवारा पशुओं के आतंक से निजात दिलाने को लेकर नगर परिषद द्वारा शुरू किया गया आवारा पशुओं की धरपकड़ का अभियान मंगलवार को भी जारी रहा। नगर परिषद द्वारा अलग अलग टीमें गठित कर आवारा पशुओं को पकड़ नंदी गौशाला में डाला जा रहा है। वर्षों से आवारा पशुओं की समस्या से जूझ रहे बाड़मेर शहरवासियों को दीपावली पर्व तक आवारा पशुओं की धमा चौकड़ी से निजात मिलने की पूरी उम्मीद है। इसके लिए नगर परिषद बाड़मेर ने 11 अक्टूबर को आवारा पशुओं की धरपकड़ के लिए अभियान शुरू किया था। यह अभियान मंगलवार को पांचों दिन भी जारी रहा। शहर के विभिन्न गली मोहल्लों में विचरण करने वाले आवारा पशुओं को यह धरपकड़ अभियान दीपावली पर्व तक चलेगा। बाड़मेर शहर से आवारा पशुओं की धरपकड़ कर चौटन मार्ग स्थित नवनिर्मित नंदी गौशाला में शिफ्ट किया जा रहा है। इसके लिए नगर परिषद द्वारा अलग अलग टीमों का गठन किया जा रहा है, जिसमें करीब 51 कार्मिक आवारा पशुओं को पकड़ने का कार्य कर रहे हैं। अभियान के दौरान रात में नगर परिषद की टीमों की ओर से शहर के विभिन्न इलाकों में आवारा पशुओं की धरपकड़ की जा रही है। सोमवार रात राय कॉलोनी, बेरियो कबास, लक्ष्मीनगर, ऑफिसर्स कॉलोनी समेत कई इलाकों से नगर परिषद की टीमों ने आवारा पशुओं की धरपकड़ कर नंदी गौशाला भिजवाया। नगर परिषद के लक्ष्य दिवाली तक शहर को आवारा पशुओं से मुक्त करना है। इस अभियान को लेकर नगर परिषद की ओर से आमजन से अपील की गई है कि वो अपने पालतू पशुओं को खुले में ना छोड़ें और सड़क पर आवारा पशुओं को चारा ना दें। बहरहाल नगर परिषद की अलग अलग टीमें शहर से आवारा पशुओं की धरपकड़ का कार्य कर रही है, ताकि दीपावली पर आमजन को आवारा पशुओं की समस्या का सामना ना करना पड़े।